हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बेहद हेल्दी नाश्ता। यह है लौकी का ढोकला और यह काफी ज्यादा पौष्टिक है। और इस ढोकले को हमने लौकी से बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस ढोकले के अंदर पड़ी हुई जाली भी आप देख सकते हैं कि यह कितना जालीदार बना है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है एक छोटी सी ताजी लौकी। लौकी एकदम ताजी वाली है जिससे हमारे ढोकले का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इस लौकी को हमें पहले काटना है। अब लौकी को आपको कितना डालना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आधे ही लौकी को डाला है। 200 ग्राम बेसन में मैं आधा लौकी डाल रही हूँ। आप चाहे तो लौकी की मात्रा को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। तो अब हम लौकी को फटाफट से छील लेते हैं। और हमारी लौकी जो है वो छिल चुकी है। तो अब हम लौकी को धोकर साफ कर लेते हैं। लौकी को हमने धो लिया है और साफ कर दिया है अच्छे से। तो अब हम लौकी को घिसेंगे। तो ग्रेटर की मदद से हम लौकी को घस लेंगे। और अब हमारी लौकी जो है घिसकर तैयार हो गई है। आधे लौकी में हमारा इतना लौकी कद्दूकस होके तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल में एक छन्नी रख दिया है। अब प्रीमिक्स को हम छान देते हैं। प्रीमिक्स को भी हम छान लेंगे क्योंकि कभी कभी ये होता है कि प्रीमिक्स में भी कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इसलिए हमने इसे अच्छे से छान लिया है। तो प्रीमिक्स को हमने छान कर ले लिया है। अब हम इसमें अपना ग्रेट किया हुआ लौकी जो है वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे हमें बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। प्रीमिक्स के ऊपर लिखा होता है कि हमें पानी कितना डालना है। तो इस प्रीमिक्स में एक छोटू सा डब्बी दिया गया था और उस पे लिखा था कि हमें 7 गुना पानी डालना है, लेकिन मैंने 5 गुना ही पानी यूज किया है क्योंकि लौकी भी हमने डाला है और लौकी से भी पानी रिलीज होता है। उसके बाद उसी डब्बे से हमने एक डब्बा मीठा ऑयल भी डाल दिया है। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम चलते हैं मोल्ड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है, उसमें हम ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। तो मोल्ड में हमने ऑयल को लगा लिया। अब हम चलते हैं स्टीमर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में स्टैंड रख दिया है और उसमें पानी डालकर उसे ढक दिया है। गैस की फ्लेम को भी ऑन कर दिया है। अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। तो हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसके अंदर एक पाउच दिया गया है और पाउच में शायद सोडा है, तो इसे भी हम डाल देते हैं और फटाफट इसे घोल देते हैं। और ये देखिए, इसको डालते ही यह काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो गया। अब बिना देर किए हम इसे फटाफट मोल्ड में डाल देते हैं। सारे बैटर को हमने अच्छे से मोल्ड में डाल दिया है और इसे टैप कर लिया है। अब हम इस बैटर को उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, हमारा ढोकला अच्छे से फूल गया है। तो 10 मिनट हम इसे और पकने देंगे। और ये देखिए, बीच बीच में मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा ढोकला जो है अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ढोकले के अंदर की जाली आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो काफ़ी ज़्यादा जालीदार ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब हम ढोकले को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम ढोकले की कटिंग करेंगे।
तो ढोकला हमारा करीब ठंडा हो गया है। तो अब हम अपने ढोकले को किसी स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ढोकले को हमने स्टैंड पर रख दिया। अब इसके ऊपर एक प्लेट रखकर हमने इस ढोकले को निकाल लिया है। इस तरह का जालीदार ढोकला हम बेसन से भी बना सकते हैं। तो हमारा ढोकला बनकर तैयार है। तो अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। तो अब हम ढोकले की कटिंग कर लेते हैं और चलते हैं तड़के की तरफ। तो तड़के के लिए हम एक पैन रखेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। जब यह गर्म हो जाए तो उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम मीठा ऑयल यूज करेंगे। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने पर हम इसमें राई डालेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें राई डाल देते हैं और जैसे ही राई तड़कने लगे हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही ये सभी चीजें अच्छे से तड़क जाए तो हम इसमें एक कटोरी जितना पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जिससे कि हमारी चीनी जो है वो गल जाए और चाशनी तैयार हो जाए। तो ढोकला जो है हमारा तैयार हो गया है। तो हम इसके ऊपर चाशनी को डाल देते हैं। अगर आप चाशनी पसंद नहीं करते तो ढोकले को आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए, ढोकले के ऊपर हमने चाशनी को डाल दिया और हमारा जालीदार काफ़ी ज़्यादा बेहद हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, लाइट आती जाती रहती है इसलिए थोड़ा सा रोशनी में प्रॉब्लम होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ढोकला। और ये देखिए, हमारा जालीदार ढोकला बनकर तैयार है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जाली पड़ी है और यह काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्गी है। तो आप भी इस हेल्दी नाश्ते को बनाइए और अपने बच्चे और अपने परिवार को खिलाइए। आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।